अध्यक्ष महोदय, कराधान और अन्य कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन विधेयक 2020 पर बोलने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप करदाताओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालनों को पूरा करने के में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए हमारी सरकार ने 24 मार्च 2020 को कोविड महामारी के कारण सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन के संबंध में कुछ राहत उपायों की घोषणा की और घोषणा को लागू करने के लिए यह अध्यादेश प्रस्तावित किया गया। इसमें आयकर अधिनियम 1961, कुछ वित्तीय अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 शामिल है। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की 30 जून 2020 की तारीख जो थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। आयकर अधिनियम 80 घ के लिए विभिन्न भुगतान की तारीख 30 जून 2020 थी जिसे 31 जुलाई तक इस ऑर्डिनेंस में बढ़ाया गया। विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी कानून के अंतर्गत प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित करने या नोटिस जारी करने की तारीख 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई थी। इसलिए योजना के तहत घोषणा और भुगतान 30 जून तक किया जा सकता था और अतिरिक्त भुगतान के बिना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 में देय उत्पाद शुल्क रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2020 और आगे 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। अध्यादेश में प्रधानमंत्री केयर्स फंड को प्रधानमंत्री राहत कोष के समान कर उपचार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किया गया। इसलिए पीएम केयर्स फंड को कहा इसमें लिया गया है। दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कटौती का पात्र होगा। इसके अलावे सकल आय के 10% की कटौती की सीमा भी पीएम केयर्स फंड में किए गए दान के लिए लागू होगी। एक मिनट सर, टीडीएस टीएससी कटौती का ब्यौरा और प्रमाण पत्र 2019-20 की आय रिटर्न तैयार करने की जरूरी दस्तावेज होंगे। इसके अलावे विभिन्न प्रत्यक्ष और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण की ओर से आदेश पारित करने और नोटिस जारी करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया। कंक्लूडिंग विद इन 1 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं जो जनता के कोरोना संक्रमण के संकट के मद्देनजर आयकर जमा करने, जीएसटी के अनुदान पैन को आधार से लिंक करने और अन्य संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने का समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। अंत में मैं अपने दल की ओर से इस जनकल्याणकारी जो विधेयक है इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।